नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज पर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है फलन। फलन से पहले हमने क्या पढ़ा है अभी तक? फलन से पहले हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा फलनों का इसका समुच्चयों का कार्तिकीय गुणनफल, और उससे रिलेटेड टॉपिक फिर अपना था संबंध। संबंध में हमने क्या पढ़ा था? संबंध के अंदर संबंध की परिभाषा, उसका प्रांत कैसे निकालते हैं, उसका परिसर कैसे निकालते हैं, और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी और उसके कुछ अपने एग्जाम्पल भी किए। आज का जो अपना टॉपिक है फलन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो ऐसा टॉपिक है जो आगे जितने भी अपने चैप्टर पढ़ेंगे उसके बीच में कहीं ना कहीं ये अपने यूज आएगा। तो अपने शुरुआत करते हैं फलन की। फलन की शुरुआत करने से पहले अपने एक क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, और इसकी सहायता से अपने सबसे पहले ये पहचानेंगे कि फलन होता क्या है, फलन कौन सा एक संबंध है जो फलन होता है, कौन सा संबंध फलन नहीं होता है। तो अपने को सबसे पहले उनकी पहचान होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अपने ये सीखते हैं कि फलन कौन सा एक ऐसा समुच्चय है जो फलन हो सकता है और कौन सा समुच्चय है जो फलन नहीं हो सकता। एक छोटा सा अपने एग्जांपल लेते हैं। एक समुच्चय है ए, जिसके अंदर एलिमेंट क्या है? 1, 2, 3 और 4। इस एग्जांपल से सबसे पहले अपने ये जानेंगे कि फलन होता क्या है। और बी एक समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है? ए बी सी और डी, ये दो समुच्चय हैं। अब इसके अपने क्या बनाएंगे? 3-4 अपने अलग अलग इसके एक संबंध बनाएंगे और उसके अंदर अपने क्या करेंगे? उनकी पहचान करेंगे कि कौन सा संबंध फलन है, कौन सा संबंध फलन नहीं है। मैं संबंध नंबर 1 बना रहा हूं, R1। सबसे पहले मैं 1 को लिख रहा हूं A के साथ, 2 को लिख रहा हूं मैं B के साथ, 3 को लिख रहा हूं C के साथ, और 4 को किसके साथ लिख रहा हूं? 4 को लिख रहा हूं मैं D के साथ। ये मैंने लिखा है संबंध नंबर 1। इसी तरह मैं एक संबंध और लिख रहा हूं R2, वो क्या है? मैं अब इसमें लिख रहा हूं 1 को लिख रहा हूं A के साथ, 2 को लिख रहा हूं B के साथ, 3 को लिख रहा हूं और C के साथ। बस इसके अंदर मैं ले रहा हूं 3 क्रमित युग्म। इसी तरह मैं एक संबंध और लिख रहा हूं R3, इसमें मैं क्या लिख रहा हूं? इसमें मैं लिख रहा हूं 1 को लिख रहा हूं मैं A के साथ, 2 को लिख रहा हूं मैं B के साथ, और 1 को ही लिख रहा हूं मैं वापस C के साथ। एक संबंध अपना ये हो गया। एक संबंध और लिख रहा हूं मैं R4, जिसके अंदर मैं लिख रहा हूं 1 को लिख रहा हूं मैं A के साथ, 2 को भी लिख रहा हूं मैं A के साथ, 3 को भी A के साथ, और 4 को भी मैं लिख रहा हूं A के साथ। ये मैंने 4 अलग अलग संबंध लिखे हैं। अब इसके अंदर अपने को पहचान क्या करनी है? सबसे पहले ये सभी एक संबंध है। प्रत्येक फलन जो होता है वो एक संबंध हो सकता है, होता है, लेकिन जो प्रत्येक संबंध है वो फलन होगा या नहीं होगा उसकी अपने को क्या करनी पड़ेगी? पहचान करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले फलन में अपने को यह देखना होता है कि जो समुच्चय ए है, समुच्चय ए को क्या बोलते हैं? अपने प्रांत। समुच्चय बी को क्या बोलते हैं? समुच्चय बी को बोलते हैं सह प्रांत। और समुच्चय ए के जिन अवयवों का संबंध समुच्चय बी में है उनको अपने क्या बोलते हैं? परिसर। तो शुरुआत में अपने को यह देखना है कि समुच्चय ए के सभी एलिमेंट उस संबंध में होने चाहिए। नंबर 1 कंडीशन तो ये, यानी ए के प्रत्येक एलिमेंट उस संबंध में होने चाहिए, सबसे पहले यह देखेंगे। उसके बाद अपने ये देखेंगे कि समुच्चय ए का जो अवयव है, समुच्चय पहला जो समुच्चय उसका अवयव समुच्चय बी के एक से ज्यादा अवयव के साथ संबंध नहीं रखे, यानी इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके एक अद्वितीय एलिमेंट के साथ संबंधित होना चाहिए। अद्वितीय मतलब जैसे मैं 1 को इसके किसी भी एक अवयव के साथ लिख रहा हूं तो उस अवयव के साथ दूसरा एलिमेंट भी आ सकता है, लेकिन इस 1 को जैसे मैं लिख रहा हूं 1 के साथ, इस 1 को लिख रहा हूं मैं B के साथ, तो वो ऐसा संबंध जो होगा वो फलन नहीं होगा, क्योंकि जो इसकी इमेज बनेगी, इसके जो परिसर के अंदर इसका मान आएगा A और B, वो क्या रहा है इसके अंदर? एक से ज्यादा। कैसे? इसमें देखो, इसमें मैं 1 को लिख रहा हूं A के साथ, 2 को लिख रहा हूं B के साथ, 3 को लिख रहा हूं C के साथ, और 4 को लिख रहा हूं D के साथ। सबसे पहले तो ये देखो, मैंने इसके क्या चारों एलिमेंट ले लिए, 1, 2, 3, 4, मैंने इसके सभी एलिमेंट लिए 1, 2, 3 और 4। उसके बाद क्या देखना है? उसके बाद आप ये देखो कि मैंने इस 1 का जो संबंध रखा है बी के समुच्चयों में एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ रखा है क्या? तो 1 देखो, 1 इस पूरे समुच्चय में, पूरे संबंध में सिर्फ एक बार है, और एक बार भी आने के बाद 1 को मैंने लिखा किसके साथ है? सिर्फ एक एलिमेंट के साथ, ए के साथ। 2 को किसके साथ लिखा है? इसका एक दूसरा एलिमेंट है बी के साथ। 3 को लिखा है सी के साथ, और 4 को लिखा है डी के साथ। कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है क्या इसके अंदर?
समुच्चय ए का कोई भी एलिमेंट इसमें रिपीट हो रहा है, समुच्चय ए का कोई भी एलिमेंट इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। तो जो अपने आर वन जो लिखा है ये क्या एक फलन है। दूसरा संबंध को दूसरे में मैंने क्या लिखा है, दूसरे के अंदर मैंने लिखा है इसके अंदर वन को लिखा है ए के साथ, टू को लिखा है बी के साथ, थ्री को लिखा है सी के साथ, लेकिन समुच्चय ए का एक एलिमेंट है फोर, उसको मैंने इसके अंदर लिखा है, इसको मैंने नहीं लिखा है, तो यह क्या एक फलन नहीं है। तीसरा संबंध क्या है, तीसरे में वन को लिखा है ए के साथ, टू को लिखा है बी के साथ, और वन को वापस किसके साथ लिखा है, सी के साथ, यानी समुच्चय ए के अवयव रिपीट हो रहे हैं, समुच्चय ए के अवयव रिपीट नहीं होने चाहिए, समुच्चय ए का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, उसकी इमेज भी इसके अंदर कैसी होनी चाहिए, अद्वितीय इमेज होनी चाहिए। अगर इसी क्वेश्चन में इसको यार साथ में अगर इसको ऐसे लिख देता मैं वन को सी के साथ और फोर को वापस में लिख देता इसमें डी के साथ, तो भी ये फलन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर वन तो वैसे भी रिपीट हो रहा है, यानी वन को मैंने इसके ए के साथ लिखा और वन को वापस इसी के सी के साथ लिखा, यानी अपने क्या देखते थे जो प्रत्येक कर्मित युग्म होता है उसके अंदर पहला एलिमेंट क्या होता है, ये वाला, इसको तो अपने बोलते हैं प्रांत, और जो वैल्यू प्राप्त हो रही है अपने को समुच्चय बी के अवयव की, ये क्या आती थी इसके अंदर, ये आती थी परिसर, यानी इसके परिसर में क्या है इसके अंदर वन के साथ ए भी है और वन के साथ क्या इसमें सी भी है, जो नहीं होना चाहिए। कहने की बात यह है कि बी का एक अद्वितीय एलिमेंट होना चाहिए, किसके साथ, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के साथ। यहां देखो वन का संबंध लिखा है ए के साथ, टू का ए के साथ, थ्री का ए के साथ, फोर का ए के साथ, तो सबसे पहले तो क्या देखना है अपने को, सबसे पहले अपने को ये देखना है कि मैंने समुच्चय ए के क्या सभी एलिमेंट लिए इसके अंदर, तो मैंने समुच्चय ए के सभी एलिमेंट लिए, वन भी लिया है, टू भी लिया है, थ्री भी लिया है, फोर भी लिया है। उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद इसके अंदर ये देखना है कि समुच्चय ए का कोई अवयव रिपीट किया है क्या, समुच्चय ए का मैंने एक भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया है। फलन के अंदर सबसे खास बात यही है कि आपको ये देखना है कि पहला जो समुच्चय है उसका कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, अगर रिपीट हो रहा है तो वो फलन नहीं है। बी के अंदर कौन से एलिमेंट है, बी के अंदर एलिमेंट है ए बी सी और डी, तो मैंने ए को वन को ए के साथ लिखा, टू को भी ए के साथ लिखा, थ्री को भी ए के साथ लिखा, फोर को भी किसके साथ लिखा है, ए के साथ, तो क्या यह फलन है। सबसे पहला इसका समुच्चय ए का कोई भी एलिमेंट इसमें रिपीट हो रहा है क्या, समुच्चय ए का कोई भी अवयव इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन समुच्चय ए का समुच्चय बी के साथ एक अद्वितीय एलिमेंट के साथ संबंध है, यानी वन का संबंध ए से है, टू का संबंध भी ए से है, थ्री का ए से है, फोर का ए से है, ये अपने आप में एक अद्वितीय एलिमेंट है, यानी इस ए का संबंध है तो इनके सभी एलिमेंट के साथ, लेकिन आप प्रांत से देखो जो पहला समुच्चय है वहां से शुरुआत करनी है, क्या इसका एक एलिमेंट वन है, इसके एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ संबंध रख रहा है क्या, इसका एक से ज्यादा के साथ संबंध नहीं रख रहा है, यानी वन का ए के साथ है, टू का ए, थ्री का ए, फोर का ए, तो यह भी क्या एक फलन है। समुच्चय बी का एक सिंगल एलिमेंट सभी के साथ हो सकता है, लेकिन समुच्चय ए जो है वो रिपीट नहीं हो सकता, यहां से अपने को शुरुआत ए से देखनी है, जो पहला समुच्चय होगा वो रिपीट नहीं होना चाहिए, और पहले समुच्चय का जो पहला अवयव है उसके क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए। इसको प्रतिबिंब भी बोलते हैं, किसको पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं, ये अपने इससे थोड़े से बात पढ़ेंगे इसको, यानी समुच्चय ए के साथ इसकी जो इमेज आ रही है वो एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, समुच्चय ए के सभी अवयव इसके अंदर होने चाहिए, समुच्चय इसका संबंध यानी इसके एक एलिमेंट का संबंध इसके सभी समुच्चयों के साथ हो सकता है, यानी इसके सभी अवयवों के साथ इसका संबंध हो सकता है, लेकिन इसका जो एलिमेंट है इसकी इमेज जो है वो एक से ज्यादा नहीं बननी चाहिए। तो इसकी जो अपनी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा अपने ये है कि समुच्चय एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, इसका कोई भी संबंध एफ है वो एक फलन कहलाएगा। कब कहलाएगा, यदि समुच्चय एक के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल और केवल क्या होना चाहिए, एक प्रतिबिंब होना चाहिए। कैसा प्रतिबिंब, एक प्रतिबिंब। समुच्चय में जो फलन होता है वो कैसे लिखते हैं, इसको फलन को डिनोट करते हैं अपने एफ से, और ये जो फलन है वो किस से किस पर परिभाषित है, फलन परिभाषित होता है ए से बी पर। इसके अंदर ए को क्या बोलते हैं अपने, ए को बोलते हैं प्रांत, ए को अपने बोलेंगे प्रांत, और जो पूरा का पूरा समुच्चय बी है इसको अपने क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपने सह प्रांत, इसको अपने बोलेंगे सह प्रांत। और परिसर क्या होगा, समुच्चय ए के जिन अवयवों का संबंध समुच्चय बी में है,
तो वो क्या कहलाएगा, इसका परिसर। यानी आप इसका जो परिसर है, परिसर की डेफिनेशन सेम वही है जो आपने संबंध में पढ़ी है, प्रांत, सहप्रांत, परिसर, तीनों वही के वही है। परिसर भी होगा समुच्चय बी के जिन अवयवों का संबंध, समुच्चय बी के जिन अवयवों का संबंध समुच्चय ए के अवयव से है, तो वो इसके क्या होंगे, वो इसके कहलाएंगे परिसर। जिन अवयवों का संबंध किससे है, समुच्चय ए से। प्रांत, सहप्रांत, परिसर सब वही है जो संबंध में पड़ा है, बस अपने को फलन, संबंध से फलन क्या होता है वो अपने को सीखना है। समुच्चय बी के जिन अवयवों का संबंध समुच्चय ए से है। ये आपके क्या आएंगे इसके अंदर, परिसर। जैसे अपने फलन से संबंध में अपने क्या पढ़ा था, संबंध का प्रांत कैसे निकालते हैं, उसका सहप्रांत कैसे निकालते हैं, उसका परिसर कैसे निकालते हैं, तो वैसे के वैसे अपने इसमें भी करेंगे आगे। यानी कोई भी फलन होगा पहले उसकी पहचान करनी है अपने को कि वो फलन है या नहीं है, उसकी पहचान करने के बाद अपने को उसका प्रांत ज्ञात करना है, उसका सहप्रांत, परिसर, ये सब अपने आगे पढ़ेंगे अभी। और जो समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई भी जो फलन है परिभाषित हो रहा है, जैसे मान लो मैं कर्मित युग्म में ले रहा हूं, प्रत्येक संबंध के अंदर कर्मित युग्म होते हैं और प्रत्येक संबंध में अपनों को क्या देखना है कि कौन सा संबंध फलन है, कौन सा संबंध फलन नहीं है। सभी के अंदर होते तो एलिमेंट इसी भी होंगे कर्मित युग्म के रूप में। अब इस ए बी को कैसे पढ़ते हैं, इस ए बी के अंदर जो बी है लिखा हुआ, बी यानी दूसरा एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट किसका, समुच्चय बी का, उसको क्या पढ़ते हैं, यानी बी को क्या पढ़ेंगे। बी होता क्या है, ए का पूर्व प्रतिबिंब, ए का प्रतिबिंब, ए का प्रतिबिंब यानी ए की इमेज है, कौन, बी। और जो बी क्या है, बी वो एलिमेंट है जिससे संबंध किससे रख रहा है, वो समुच्चय ए के अवयव से। इसी तरह अपने ए को क्या पढ़ सकते हैं, बी का पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज, ए क्या है, बी क्या है, ए की इमेज, और ए क्या है, बी का पूर्व प्रतिबिंब इसमें। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपने, ये हो गया ए, और इस बी को अगर मैं फलन के फॉर्मेट में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एफ ए। यानी बी इक्वल्स टू क्या है, बी इक्वल्स टू होता है एफ ए। यानी अपने क्वेश्चन में जो भी फलन दिया होगा उसके अंदर अपने जो ए जो है पहला एलिमेंट उसको रखेंगे तो अपने को सेकेंड एलिमेंट प्राप्त होगा। और ये अपने पहले भी कर चुके हैं, अपने डायग्राम में भी इसको देखा है, यानी समुच्चय ए के कौन से एलिमेंट है जो समुच्चय बी से संबंध रख रहे हैं, तो वो यही एलिमेंट है। अगर आप फलन के अंदर जो पहला एलिमेंट ए रखोगे तो अपने को जो वैल्यू प्राप्त होगी वो सेकंड वाली वैल्यू प्राप्त होगी। तो यानी बी क्या है, ए का प्रतिबिंब, और ए क्या है, बी का पूर्व प्रतिबिंब। अब इसके बाद अपने कुछ पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण फलन, यानी फलनों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, तत्समक फलन, अचर फलन, मापांक फलन, तो ये सब अपने आगे पढ़ेंगे इसके अंदर। और जो अपना पहला फलन है वो क्या है, पहला फलन है आपका तत्समक फलन। तत्समक फलन होता क्या है, तत्समक फलन ये होता है कि अपने जो समुच्चय ए के अवयव जो है, जैसे मान लो मैं समुच्चय ए का एलिमेंट लिख रहा हूं दो, ए इक्वल्स टू दो या एक्स इक्वल्स टू दो, तो समुच्चय बी में भी अपने वही वैल्यू प्राप्त हो रही है, यानी बी का मान भी अपने को टू मिल जाए वापस। ए की वैल्यू जो अपने टू रखते हैं, बी इक्वल्स टू अभी अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, बी इक्वल्स टू क्या होता है एफ ए। अगर मैं यहाँ पे b का मान 2 रखूं, b इक्वल्स टू एफ टू, यानी a के स्थान पे मैंने क्या रखा है 2, तो अगर अपने को b की भी वैल्यू 2 मिल जाए, यानी इसको वापस मैं उल्टा लिख दूं ऐसे, ये तो होगी b की वैल्यू, और वापस अपने को इसका मान भी अगर 2 मिल जाए, यानी a के स्थान पे अपने क्या रखा है, ये वैल्यू है a की, और जो ये वैल्यू है ये किसकी है, b की। अगर ये यहाँ पे मैं 2 रख रहा हूँ और वापस वैल्यू भी अपने को 2 ही मिल रही है, जो जो वैल्यू रख रहे हैं वही वैल्यू अपने को वापस मिल रही है, तो वो होता है तत्समक फलन। तत्समक फलन को बोलते हैं अपने एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। एफ क्या है, एफ एक्स एक फलन है, और एक्स क्या है, पहला कर्मित युग्म का पहला अवयव, और इसकी वैल्यू भी किसमें मिल रही है अपने को, वैल्यू भी वापस मिल रही है इसके अंदर एक्स में। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे अपने को, जो ये वाली वैल्यू होती है ये किसकी होती है, ए की, और जो सेकेंड वैल्यू है वो किसकी होती है, बी की। तो जो इसका प्रांत होगा वो क्या होगा, इसका जो अपने प्रांत मिलेगा
वो होगा आर। आर कैसे? यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से अपने कोई भी एक संख्या रखें यहाँ पर, किसके स्थान पर, x के स्थान पर, तो अपने को वैल्यू भी वापस क्या होगी, वही प्राप्त होगी। यानी ये जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं प्रांत, और इसका जो परिसर होता है वो क्या होता है, परिसर। जो वैल्यू यहां रख रहे हैं वही वैल्यू अपने को प्राप्त हो रही है, यानी जो आंसर अपने को निकलेगा वो होता है अपना परिसर। तो अगर अपने r रख रहे हैं यहाँ पे, r के स्थान पर, जैसे मैं यहाँ 1, 2, 3, 4 से लेके कुछ भी वैल्यू रखूं तो वही वैल्यू अपने को यहाँ मिल रही है। तो अगर आप प्रांत के स्थान पर, x के स्थान पर r रखोगे तो परिसर इस x के स्थान पर भी अपने को क्या मिलेगा, वापस r ही मिलेगा। ये एक चीज हमेशा याद रखना, प्रांत क्या होता है फंक्शन के अंदर। अगर आपको फंक्शन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो जो पहले ब्रैकेट के अंदर जो x लिखा हुआ है वो तो होगा आपके प्रांत, और जो वैल्यू अपने से निकल रही है वो होगी आपके परिसर। यानी x के स्थान पर आप जो भी मान रखोगे वो तो आएगा प्रांत के अंदर, और जो वैल्यू अपने को प्राप्त होगी इस x के स्थान पर तो वो आपके क्या हो जाएगा, परिसर। और जो दशमलव फलन होता है इसका अगर आप ग्राफ भी बनाना चाहोगे तो एक सरल रेखा बनेगी जो मूल बिंदु से गुजरेगी। मूल बिंदु से क्यों गुजरेगी, क्योंकि अगर इसके स्थान पर हमने जीरो रखेंगे तो वैल्यू भी अपने को क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। यानी इसको मैं अगर एक ग्राफ बना रहा हूँ छोटा सा, देखो जैसे यहाँ पर क्या लेते हैं 1, 2 और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, ये 3। यहाँ जैसे 1, 2 और यहाँ आपके पास 3, इधर आपके माइनस में चलेगा और यहाँ भी माइनस में चलेगा। जैसे मैं यहाँ x के स्थान पर क्या लूँ, 1 लूँ, तो y के स्थान पर यानी इस x के स्थान पर भी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी ये संख्या आपकी ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी आगे, 0 पर 0 आएगा मान, और ये भी आपके मान ऐसे बढ़ जाएगा। अगर इन सभी डॉट को आप मिलाओगे तो ग्राफ क्या बनेगा, एक सरल रेखा बनेगी, और जो किससे गुजरेगी, एक मूल बिंदु से गुजरेगी। ये आपके कौन सा फलन है, ये फलन है आपके तस्मक फलन। इसी तरह एक फलन और है अचर फलन। अचर फलन क्या होता है, अचर फलन होता है fx equals to c। c कैसे, c एक कांस्टेंट है यानी एक फिक्स वैल्यू है। यहां जो x है इसके स्थान पर तो आप वैल्यू कुछ भी चेंज कर लो, लेकिन जैसे ये मान लो एक वैल्यू फिक्स हो गई यहाँ पे, मैंने इस रख रहा हूँ कि fx equals to 4। अब यहाँ इस x के स्थान पे वैल्यू चेंज करते रहो, x equals to क्या लिखोगे, 1, 2, 3, 4, ये वैल्यू आप चेंज कितनी भी चेंज करो, लेकिन आप पे जो ये वाला 4 है ये बदलेगा नहीं, ये आपके फिक्स हो गया। तो इसके अंदर क्या बोलेंगे, इसके अंदर जो पहला x है इसको तो आप पढ़ते हो प्रांत, और ये आपका क्या है, परिसर। प्रांत इसका क्या आ जाएगा, इसका प्रांत होगा यानी x के स्थान पर तो आप वैल्यू चेंज कर सकते हो, 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हो, तो प्रांत तो इसका पूरा क्या हो जाएगा, R। और इसका परिसर क्या हो जाएगा, परिसर इसका फिक्स हो गया, किसमें, अचर फलन में, परिसर इसका हो जाएगा C। और क्वेश्चन में अगर C की वैल्यू दे रखी है तो परिसर में वो वैल्यू आ जाएगी। यानी इसका प्रांत यानी यहाँ की जो वैल्यू चेंज होगी वो तो आएगी आपके प्रांत में, और जो ये फिक्स वैल्यू है वो आपके किस में आ जाएगी, परिसर में आ जाएगी। ये फलन कौन सा है आपके, ये फलन है आपके अचर फलन। आपको फलन में क्या याद रखना है, इसमें सबसे पहले अचर तस्मक फलन होता क्या है, यानी इसका फॉर्मेट क्या है, इसके प्रांत और परिसर। अचर फलन क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या है, fx equals to c, और इसका प्रांत क्या होता है, इसका परिसर क्या होता है। ये तीन चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। अगला इंपॉर्टेंट फलन है आपका मापांक फलन। मापांक फलन क्या होता है, मापांक फलन सबसे पहले तो ये देखो मापांक फलन को लिखते कैसे है, fx equals to mod x। मापांक फलन वो होता है कि इसके अंदर आप धनात्मक वैल्यू रखोगे तो आंसर भी धनात्मक में आएगा, जीरो रखोगे तो जीरो आएगा, लेकिन इसके अंदर आप ऋणात्मक वैल्यू यानी नेगेटिव वैल्यू इसके अंदर रखोगे तो भी इसका मान क्या आएगा, तो भी इसका मान पॉजिटिव आएगा। बस ये चीज आपको याद रखनी है। यानी जैसे ये मोड एक्स है, एक छोटे से डायग्राम से बता रहा हूं आपको मैं, जैसे मैं इसके अंदर लिख रहा हूं आपके एक्स इक्वल्स टू कितना, प्लस का 5, तो x के स्थान पर मैं लिख रहा हूँ प्लस का 5, तो मोड x के स्थान पर यानी मोड x फिर क्या आ जाएगा, ये मोड 5, इसकी वैल्यू मतलब ये 5 ही होगा। अगर मैं x के स्थान पर क्या ले रहा हूँ 0, तो मोड 5 मोड 0 क्या बनेगा आपके पास, 0। अगर मैं x के स्थान पर क्या ले रहा हूँ माइनस का 2, तो माइनस का 2 इस मोड के अंदर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2। बस ये चीज आपको याद रखनी है, 0 पर इसका मान हमेशा 0 आएगा, पॉजिटिव में हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन इसके अंदर आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव वैल्यू के अंदर इसका मान क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू इसके बनकर पॉजिटिव हो जाएगी। इस ग्राफ को अगर मैं और तरीके से खोल के लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, fx equals to
एफ एक्स इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसी तीन एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन्हीं तीन एग्जाम्पल से। पहले मैंने वैल्यू क्या रखी, x की वैल्यू जीरो से क्या रखी है, बड़ी, तो इसका मान अपने को क्या मिला, इसका मान पॉजिटिव, इसका मान धनात्मक मिला है। यानी वैल्यू पॉजिटिव कब प्राप्त होगी, जब अपने पास x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन जीरो, सबसे पहले थी। यानी x का मान अपने कैसे रखेंगे, अगर x की वैल्यू अपने रखते हैं जीरो से बड़ी, तो अपनी वैल्यू क्या प्राप्त होगी, वैल्यू अपने को प्राप्त होगी इसके अंदर धनात्मक। सेकेंड में क्या लिखा है मैंने, सेकेंड में लिखा है x की वैल्यू जीरो, तो आंसर भी कितना मिल रहा है अपने को इसके अंदर, जीरो। यानी मापांक जीरो का मान भी क्या होता है, जीरो, जीरो। ये कब प्राप्त होगा, जब एक्स की वैल्यू अपने क्या रखें, जीरो। थर्ड इसके अंदर क्या है, अगर मैं एक्स की वैल्यू लिख रहा हूं माइनस दो, तो अपने को वैल्यू कैसे प्राप्त हो रही है, प्लस का। तो बस ये चीज यहाँ पे याद रखनी है, यानी इस ये एक्स कौन सा है, ये एक्स तो ये है, इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, जैसे माइनस दो, तो अब मापांक फलन के अंदर क्या होता है, अपने को इसको पॉजिटिव बनाना तो है, तो इसके बाहर आप क्या लगा दो, माइनस। ये कब लिखते हैं अपने, ये अपने लिखेंगे जब x क्या हो अपने पास, लेस देन जीरो, जब x की वैल्यू आपके पास क्या हो, लेस देन जीरो। यानी जो वैल्यू अंदर रखेंगे माइनस, वो तो इसके अंदर काउंट हो जाएगा, और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए फिर क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई। जैसे x का मान मैं लिख रहा हूं माइनस का सेवन, तो इसको अपने पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई तो करते हैं मापांक के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का सेवन। ये बस समझने के लिए है, बाकी अपने को लिखना ऐसे ही है कि अगर मापांक के अंदर मैं लिखूं माइनस का सात, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का सात। मापांक के अंदर लिखूं मैं प्लस का सात, तो भी उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसकी वैल्यू प्लस का सात आएगी। बस ये जो चीज है ये समझने के लिए है कि अगर इस एक्स के अंदर क्या हो, वैल्यू कितनी हो, जीरो से छोटी, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए फिर क्या करेंगे अपने, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई। अब इन तीन चीजों से आपके प्रांत और परिसर निकालने, वो कैसे निकालोगे, प्रांत क्या होता है, जो वैल्यू अपने रखते हैं, और परिसर क्या होता है, जो वैल्यू अपने को प्राप्त होगी। अब x के स्थान पे तो अपने कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 रियल नंबर है, जीरो कुछ भी सकते हैं, तो r हो जाएगा इसका प्रांत, तो r यानी यहां तो अपने कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन इसका परिसर क्या आएगा, इसका परिसर देखो आप, यानी इसकी वैल्यू मैंने कैसे ली, पॉजिटिव ली, तो आंसर पॉजिटिव, जीरो लिया तो इसका आंसर जीरो, नेगेटिव लिया तो इसका आंसर कितना आया, पॉजिटिव। यानी इसके अंदर इसकी जो परिसर है वो कैसा आ रहा है, ऋणात्मक तो आई नहीं रहा है, शुरुआत इसकी कहां से होगी, जीरो से। तो सबसे पहले तो लिखो बड़े ब्रैकेट, और बड़े ब्रैकेट में क्या लिखो, वैल्यू जीरो, यानी इसका परिसर क्या आ सकता है, जीरो आ सकता है, और जीरो से फिर ऊपर चलेगा ये कहां तक, ये जीरो से ऊपर इन्फिनिटी तक, अनंत तक, ये इसका क्या आ जाएगा, परिसर। एक तरफ लिखा है मैंने बड़ा ब्रैकेट, और एक तरफ लिखा है मैंने छोटा ब्रैकेट, तो इसका मतलब क्या है, इन्फिनिटी अपने को लास्ट अंतिम वैल्यू पता नहीं होती है, तो इसको हमेशा कैसे लिखते हैं, इसको हमेशा छोटे ब्रैकेट में, और बड़ा ब्रैकेट लगाया मैंने ये, तो यानी ये जीरो शामिल है। ये एक छोटी सी चीज और देखो, एक एग्जांपल के जरिए, वैसे पढ़ी भी रखी होगी आपने ये, ये तीन अलग अलग तरह के ब्रैकेट होते हैं, एक होता है बड़ा ब्रैकेट, एक होता है छोटा ब्रैकेट, एक ब्रैकेट होता है ऐसे, और एक ब्रैकेट होता है ये, यानी ये बंद किस पे हो रहा है, छोटे पे। अब ये शुरुआत किससे हो रही है, छोटे से, और बंद किससे हो रहा है, बड़े ब्रैकेट में। ऊपर वाला जो ब्रैकेट है पहला, इसके अंदर मैं कोई वैल्यू लिख रहा हूँ 2 3, तो इसके अंदर क्या, ये 2 भी शामिल होता है, 3 भी शामिल होता है, और इसके बीच की वैल्यू भी क्या होगी, शामिल होगी। यानी इसके वैल्यू अपने 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 2.5 2.6, यानी इसके बीच की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। एक मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 3 2 और 3, तो इसके अंदर आप क्या लोगे, इसके अंदर 2 नहीं ले सकते और 3 नहीं ले सकते, लेकिन इनकी बीच की वैल्यू ले सकते हैं, यानी इसके अंदर 2 शामिल नहीं है, 3 शामिल नहीं है। बड़े ब्रैकेट में जो किनार पर वैल्यू होती है शामिल, छोटे ब्रैकेट में जो किनार पर वैल्यू होती है वो शामिल नहीं होती है। अब इसके अंदर जैसे मैं लिख रहा हूँ 2 और 3, तो इसके अंदर आपके 2 शामिल है लेकिन 3 शामिल नहीं है। और इसी तरह एक ब्रैकेट ये है, इसके अंदर भी जैसे लिख रहा हूँ मैं 2 और 3, तो इसमें 2 शामिल नहीं है और 3 शामिल है। बड़े ब्रैकेट के आगे जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा शामिल होती है, यानी इसके अंदर अपने 0 शामिल है और इन्फिनिटिव शामिल नहीं है। यानी वैल्यू 0 से कहां तक चलती रहेगी, 0 से धनात्मक चलती रहेगी, क्योंकि मापांक के अंदर अपनी जो वैल्यू है वो ऋणात्मक प्राप्त नहीं होती है। तो मापांक फलन में आपके प्रांत क्या आ जाएगा, r, और मापांक फलन में आपके परिसर क्या आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटिव। ये आपका कौन सा फलन है, ये फलन है आपका मापांक फलन।
अगला जो फलन है आपका चिन्ह फलन, चिन्ह फलन होता क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू, बस फलन का नाम और फलन का जो डिफाइन है एफ एक्स ये क्या है, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, मोड एक्स अपॉन एक्स, ये इसकी वैल्यू होती है, किसकी, चिन्ह फलन की। अब इसको कैसे परिभाषित करेंगे, ये आपने अलग पढ़ रखा है, ये आपने अलग पढ़ रखा है, इसका कंबाइंड रूप है ये, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको आप ऐसे लिख लो एक तरीके से और, यानी एफ एक्स इक्वल्स टू, क्योंकि मापांक लिखा हुआ है तो आप इसमें क्या दिखाओगे, वापस वो तीन कंडीशन दिखाओगे कि मैं एक्स के स्थान पे जीरो ले सकता हूँ, एक्स को कैसे ले सकता हूँ, जीरो से बड़ा ले सकता हूँ और जीरो से कम ले सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ, एक्स को एक्स ले रहा हूँ ग्रेटर देन जीरो, एक्स कैसे ले रहा हूँ मैं, ग्रेटर देन जीरो। तो इसी फंक्शन के देखो जीरो से बड़ी संख्या में क्या ले रहा हूँ, जैसे एक्स इक्वल्स टू दो ले रहा हूँ, तो इसको आप कैसे लिखोगे, मापांक दो बट्टा दो, तो इसका मान कितना आ जाएगा, मापांक दो की वैल्यू क्या होती है आपके पास, दो ही होती है, तो ये दो बट्टा दो, ये आपके पास कितना आ जाएगा, प्लस का वन, फिक्स वैल्यू मिल गई आपको प्लस का वन। अब आप ये एक चीज देखो कि अगर जो वैल्यू ऊपर है, क्योंकि ऊपर भी क्या है मापांक एक्स और नीचे भी आपके पास क्या है एक्स, यानी आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लो, मैं दो के स्थान पे तीन ले लेता हूं अगर यहाँ पे, तो मापांक तीन बट्टा तीन, तो मापांक तीन भी क्या होगा आपके पास, तीन और बट्टा तीन, यानी ये क्या आ जाएगा आपके पास वन। तो कहने की बात ये है कि अगर आप एक्स को क्या लोगे, जीरो से बड़ा लोगे, तो हमेशा आंसर फिक्स निकलेगा, कौन सा, प्लस का वन, क्योंकि आप टू ले लो, थ्री ले लो, फोर ले लो, टेन ले लो, हंड्रेड ले लो, कुछ भी ले लो, तो मापांक हंड्रेड लूंगा, तो मापांक हंड्रेड बटा हंड्रेड, तो हंड्रेड से हंड्रेड कैंसिल होकर क्या मिलेगा आपके पास वन, तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी फिक्स, एक ये। अगर मैं इसके अंदर लेता हूं एक्स की वैल्यू जीरो, तो ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, ये तो आपके पास आ जाएगा इसका फिक्स आंसर क्या है इसका, जीरो। थर्ड आपको समझना है बस ये, अब मैं ले रहा हूं एक्स की वैल्यू क्या, माइनस का तीन, माइनस का तीन लूंगा, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा आपके पास, मापांक के अंदर माइनस का तीन और नीचे माइनस तीन नॉर्मल, जो मापांक वाला माइनस तीन है वो तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो तो प्लस हो जाएगा प्लस का, यानी ये तो बन जाएगा आपके पास प्लस का तीन और ये बन जाएगा आपके पास माइनस का तीन, तीन से तीन कैंसिल हो जाएगा, इसके आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का वन। अब इस माइनस तीन के स्थान पर आप कुछ भी ले लो आर में से, यानी माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री, जो ऊपर वाला माइनस है वो तो आपके क्या हो जाएगा, वो तो मापांक से हो जाएगा, इसका धनात्मक में बदल जाएगा, और नीचे लेकिन जो माइनस का साइन है वो एज इट इज आपके रहेगा, तो संख्या तो आपकी कैंसिल हो जाएगी, लेकिन आंसर तो आपका फिक्स हो गया माइनस का वन, किस में, जब एक्स कैसा हो, लेस देन जीरो। ये इसका थोड़ा सा विस्तार है, किसका, चिन्ह फलन का। अब इसके अंदर आप प्रांत और परिसर कैसे देखोगे, प्रांत क्या होता है, प्रांत वो होता है जो वैल्यू अपने रखते हैं एक्स के स्थान पे, एक्स के स्थान पे अपने रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो वो तो आपके हो गया आपके पास प्रांत। जैसे मैंने टू रखा, थ्री रखा, हंड्रेड रखा, कुछ भी अलग अलग कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, यानी प्रांत तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन परिसर क्या होगा इसका, इसका परिसर फिक्स हो गया, यानी एक्स की वैल्यू अगर बड़ा लोगे, जीरो से बड़ा, तो इसका मान कितना आ जाएगा आपके पास वन, एक्स की वैल्यू मैं कितनी लूं, जीरो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। एक्स की वैल्यू कैसे लूं मैं, लेस देन जीरो, यानी नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू ऊपर वाले मापांक में तो धनात्मक बदल जाएगी, लेकिन नीचे नेगेटिव का साइन रहेगा, संख्या कट जाएगी, लेकिन वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस का वन। तो अपने पास वैल्यू ये तीन प्राप्त हो रही है, प्लस का वन, जीरो और माइनस का वन। तो मैंने पहले ही बताया अभी आपको कि जो वैल्यू अपने को प्राप्त होगी, जो वैल्यू प्रांत रखने में, फलन के अंदर जो प्रांत की वैल्यू है वो रखेंगे, और फिर अपने को जो वैल्यू प्राप्त होगी वो वैल्यू किसकी होगी, वो वैल्यू होगी आपके पास परिसर की। धनात्मक रखोगे तो प्लस का वन आएगा, जीरो रखोगे तो जीरो आएगा, और नेगेटिव कुछ भी वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू फिक्स हो गई, कितनी, माइनस का वन। तो ये तो आपके पास क्या आ गया इसका, प्रांत और परिसर। तो ये था आपका चौथा फलन, कौन सा, चिन्ह फलन। अब अपना जो अगला प्रकार है वो अपना देखते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, तो इसमें भी आप क्या देखोगे, सबसे पहले तो महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझो, महत्तम पूर्णांक फलन को ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू बड़े ब्रैकेट के अंदर एक्स, ये एक सिंबल है इसका बड़ा ब्रैकेट, और एक्स क्या है, जो अपने प्रांत की वैल्यू रख रहे हैं। अब ये महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन ये होता है, इस x से क्या लेना है अपने को, x से या तो कम या इसके बराबर, जो महत्तम पूर्णांक होगा वो किसकी वैल्यू होगी, इस x की वैल्यू होगी, कैसे,
जैसे मैं इस महत्तम पूर्णांक का मान ले रहा हूं 2.35, तो 2.35 से आपको ज्यादा नहीं जाना, इससे जस्ट पहले आपकी ये देखनी है कि इससे जस्ट पहले जो बड़ी पूर्णांक संख्याएं थी वो कौन सी थी, यानी 2.35 से बड़ी जो पूर्णांक संख्या थी इससे छोटों में बड़ी वो क्या थी, दो। कैसे? एक ये चीज याद रखो, x क्या है, ये x जो अपने प्रांत की वैल्यू है, ये किस से किसके बीच में है, n प्लस 1 से n के बीच में है। ये एक सिंपल तरीका आपको याद रखने का, जैसे मैंने अब इसी क्वेश्चन को वापस लिख रहा हूं मैं यहां पर, x के स्थान पर अपनी वैल्यू कितनी है 2.35, ये 2.35 वैल्यू किसके बीच में है, पूर्णांकों के बीच में लिखनी है ये वैल्यू, तो इससे पहले का जो पूर्णांक आएगा वो आएगा आपके पास क्या, दो, और इससे जस्ट अगला एन प्लस वन वो आपके पास क्या आ जाएगा, तीन। यानी एक मैंने संख्या लिखी है 2.35, ये किसको लिखा है, महत्तम पूर्णांक के अंदर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आपको ये देखना है इस 2.35 से जस्ट छोटा और या इसके बराबर पूर्णांक कौन सा है, तो 2.35 से जस्ट छोटा पूर्णांक कौन सा होता है, दो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दो। इसी 2.35 के स्थान पर अगर मैं इतना लिख दूं 2.99, तो भी ये किसके बीच में है, दो और तीन के बीच में है, तब भी इसका मान क्या आएगा आपके पास, तब भी इसका मान आपके पास आएगा दो। एक में लिख लो संख्या 3.1, ये किस से किसके बीच में है, अगर इस सूत्र से देखें तो n और n प्लस 1, तो जो ये 3.1 है ये आपकी जो संख्या है वो किस से किसके बीच में है, ये है 3 से 4 के बीच में, तो 3.1 से जस्ट छोटा पूर्णांक कौन सा है, 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो इसको लिख कैसे सकते हैं अपने कि जो महत्तम पूर्णांक होता है, महत्तम पूर्णांक वो हमेशा क्या होगा आपके x से क्या होगा, छोटा या इसके बराबर, यानी जो महत्तम पूर्णांक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं इसको, ये हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल x। ये x कौन सा है जो अपने इसके अंदर वैल्यू रख रहे हैं, और जो महत्तम पूर्णांक ये क्या है जो अपने को वैल्यू निकालनी है या जो वैल्यू अपने को प्राप्त हो रही है, यानी महत्तम पूर्णांक इस x से या तो बराबर होगा इससे बराबर और या इससे जस्ट क्या होगा, छोटा। तो इसके अंदर आपको ये दो तीन चीजें रखनी है, एक चीज तो ये याद रखनी है कि महत्तम पूर्णांक होता क्या है, एक्स से छोटा या इसके बराबर, और एक ये आपको ये सूत्र याद रखना है, सूत्र की तरह नहीं रखो इसको, तो एक गुणधर्म या इसको बेसिक प्रॉपर्टी, यानी जो अपने पूर्णांक ले रहे हैं वो किस से किसके बीच में ले रहे हैं, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। यानी यहां पर अगर पॉइंटों में या कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो वो वैल्यू कौन से दो पूर्णांकों के बीच में है, उन दो पूर्णांकों में जो छोटा पूर्णांक है वो इसका क्या आ जाएगा, आंसर। तो ये क्या है आपके पास, इसका महत्तम पूर्णांक, जिसके अंदर अगर आप कोई भी वैल्यू ले रहे हो तो उसका वैल्यू क्या, उसका आंसर अपने पास क्या निकलेगा, उसका आंसर निकलेगा उससे जस्ट छोटा पूर्णांक। 2.35 के स्थान पर आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, मैंने अलग अलग एग्जांपल भी लिए है, और तो उसमें आपने क्या देखा है, तो वो वैल्यू किसम के कौन से दो पूर्णांकों बीच में आ रही है, उन दो पूर्णांकों में जो सबसे छोटा पूर्णांक होगा वो इसका क्या हो जाएगा, वो इसका हो जाएगा महत्तम पूर्णांक। अब इस फलन के जो प्रांत और परिसर है वो अपने आगे क्वेश्चन में एकदम आराम से इसको क्लियरली करेंगे इसको, तो आपको और अच्छे से इसको समझ में आएगा। तो आपने फलन में कौन कौन सा पढ़ा, भी तस्मक फलन पढ़ लिया आपने, अचर फलन पढ़ा है आपने, मापांक फलन पढ़ा है, चिन्ह फलन पढ़ा है, और आपने लास्ट ये महत्तम पूर्णांक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपको हमेशा जब तक आप मैथ करोगे आगे 12th के बाद तब तक ये आपके काम आएगा। अब इसके बाद अपने इसकी जो फलन है उसकी बेसिक प्रॉपर्टी यानी उसका बीजगणित करते हैं। बीजगणित यानी दो फलनों का जोड़ कैसे करेंगे, उनका घटाव कैसे करेंगे, दो फलनों का गुणा कैसे करेंगे, अगर किसी फलन को किसी वास्तविक संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, तो वो सब अपने देखते हैं। सेम पहले की तरह लिख रहा हूं मैं, अब जोड़ करने के लिए, घटाव करने के लिए, गुणा भाग कुछ भी करने के लिए आपको दो फलनों की जरूरत पड़ेगी। तो वो दो फलन कौन कौन से हैं, मान लो पहला फलन है वो किस से किस पर परिभाषित है, एक्स से आर पर परिभाषित है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स तो हो जाएगा आपके प्रांत और आर आपके पास क्या हो जाएगा, सह प्रांत। और फलन डिफाइन होने के बाद x की जो वैल्यू है r की जिन वैल्यू से कनेक्टेड है वो आपके क्या आ जाएगी, वो आपके पास आ जाएगी परिसर। एक फलन है आपके पास g, वो भी आपके क्या है, किस से किस में परिभाषित है, वो भी आपके परिभाषित है आपके पास g में, इससे x से r में। r क्या है यहाँ पर, r है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और x क्या है यहाँ पर, जो x है वो ये है कि x सबसेट है r का, यानी x भी एक वास्तविक संख्याओं का ही समुच्चय है, लेकिन किसका पार्ट लिया अपने, आर का एक पार्ट लिया है।
तो अब इसके अंदर फर्स्ट जो है अपना दो फलनों का जोड़ वो कैसे होगा, जब पहला फलन है वो x से r में डिफाइन हो रहा है, दूसरा फलन g है वो भी x से r में डिफाइन हो रहा है, तो अपने दो फलनों का जो योग होगा f प्लस g वो भी किस से किस में डिफाइन होगा, x से r में डिफाइन होगा। और जहां x क्या है अपना, x क्या है सबसेट ऑफ r, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसका लिखने का तरीका ऐसे है कि f प्लस जी एक्स है ये, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी इन दो फलनों के साथ जो मैं वेरिएबल लिख रहा हूं x, अब इनको अलग अलग लिख दो एफ एक्स प्लस जी एक्स, यानी जो पहला फलन है उसके अंदर आप दूसरा फलन ऐड कर दो, ऐड करने में क्या होगा आपको, यानी जो व्यंजक जिनमें जैसे मान लो दो बीज व्यंजक है, एक एक्स की घात दो इसमें, इसके अंदर भी कोई एक्स की घात दो का टर्म है, तो एक्स की घात दो वाले टर्म को आप एक साथ लिखना है, अचर वालों को एक साथ लिखना है और सिंगल घात वालों को एक साथ लिखना है, दो फलनों का जोड़ ऐसे। इसी तरह अगर मैं दो फलनों का घटाव लूं वो कैसे लूंगा मैं, दो फलनों का घटाव, दो फलनों का घटाव जैसे जोड़ x से r में परिभाषित हुआ है, तो जो घटाव होगा वो भी किस से किस में परिभाषित होगा, x से r में, इसी में परिभाषित होगा। और जहां x क्या है अपना, वापस वही x से सबसेट ऑफ r, लिखेंगे कैसे इसको कि जो f माइनस जी एक्स है ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स, जैसे जोड़ किया वैसे आपको क्या करनी है इसके अंदर घटाव करनी है, तो ये हो गया दो फलनों का जोड़ दो फलनों का घटाव। अगर मैं किसी वास्तविक संख्या कौन सी अल्फा उससे मल्टीप्लाई करा रहा हूं मैं अल्फा, तो ये भी किससे किस में परिभाषित है, ये भी आपके परिभाषित है एक्स से आर में, तो अगर मल्टीप्लाई कराने के बाद इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ अल्फा एफ एक्स, ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी अल्फा ऑफ एफ एक्स, यानी जो वेरिएबल जो फंक्शन आपको दिया हुआ है उसको क्या करना है, उस वास्तविक संख्या से आपको मल्टीप्लाई। अब उसके बाद मैं दो फलनों का गुणनफल ले रहा हूं, दो फलनों का गुणनफल कैसे ले सकता हूं मैं एफ जी, ये भी किस से किस में डिफाइन होगा, ये भी आपके एक्स से आर में डिफाइन होगा, जहां एक्स क्या है, एक्स आपके क्या है सबसेट ऑफ आर, आर का क्या है उपसमुच्चय, तो इसको लिखोगे कैसे आप, यानी जो एफ जी है एक्स, जो भी दो फलन होंगे उनको क्या करने आप आपस में मल्टीप्लाई एफ एक्स डॉट जी एक्स, ये हो गया दो फलनों का गुणा। और इसी तरह आपके क्या हो जाएगा, अब दो फलनों का भाग देखना है, दो फलनों का भाग कैसे होता है, यानी एफ डिवाइडेड बाई जी, ये कैसे होगा, ये भी आपके परिभाषित होगा एक्स से आर में, और जहां एक्स क्या है, एक्स है आपके सबसेट ऑफ आर, तो इसको लिखोगे कैसे आप, इसको लिखोगे कैसे कि एफ बाई जी ऑफ एक्स क्या होगा, ये एक्स वेरिएबल आप क्या लिखना है दोनों को अलग अलग, यानी हो जाएगा एफ एक्स बाई जी एक्स, बस एक कंडीशन ये याद रखनी है कि जो बट्टा में जो जी एक्स है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, जहां जो जी एक्स है वो क्या नहीं होना चाहिए आपके पास, जीरो नहीं होना चाहिए, यानी नॉट इक्वल टू जीरो। दो फलनों का जोड़ घटाव गुणा, बस ये लिखने में अभी आपको थोड़ा लग रहा है अजीब कि ये क्या है कि एफ बाई जी को मैंने ऐसे कैसे लिखा है, तो ये इसको दिखाने का तरीका है कि जो दो फलनों का भाग है वो किस से किस में डिफाइन हो रहा है, एक्स से आर में डिफाइन हो रहा है। फिर मैंने इस एक्स को बता दिया कि एक्स है क्या, एक्स है सबसेट ऑफ आर, यानी जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है उसी का ये पार्ट है। अब इसको फिर क्या करना है आपको, पहले फलन को ऊपर उतारना है, दूसरे फलन को नीचे उतारना है इसमें, और जैसे अपने नॉर्मली भाग देते हैं वैसे उसमें क्या देना है आपको, उसमें आपको भाग देना है। तो ये अपने आज क्या देखा है, इसका बेसिक देखा है, जिसके अंदर फलन क्या होता है, फलन की पहचान कैसे करते हैं वो देखा, फिर फलनों के प्रकार देखे, अपने फलनों के प्रकार कौन कौन से हैं, अपने तस्मक फलन, अचर फलन, मापांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, ये भी देखा। और उसके बाद अपने क्या देखा, उसके बाद अपने ये देखा कि फलनों का बीजगणित क्या है, यानी फलनों का जोड़ कैसे करते हैं, फलनों का घटाव गुणा भाग ये सब कैसे करते हैं। तो ये अपने अभी तक क्या देखा है, ये अपने देखा है सिर्फ फलन का बेसिक, और अपने बेसिक में पूरा क्या पढ़ा है अपने, सबसे पहले अपने ये पढ़ा कि फलन होता क्या है, फलन की पहचान कैसे करते हैं, ये देखा अपने, अपने एक न्यूमेरिकल लिया, उसके अंदर अपने क्या देखा, अलग अलग अपने संबंध बनाए, और फिर अपने क्या देखा कि जो समुच्चय है उसके सभी एलिमेंट यूज होना चाहिए, समुच्चय ए के किसी भी एलिमेंट का समुच्चय बी के एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ संबंध नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिंगल एलिमेंट के साथ होना चाहिए। तो इसके अंदर अपने देखा कि ये पहला जो अपना संबंध है, इसके अंदर आपके क्या था, सारे एलिमेंट यूज नहीं आ रहे थे, 1 2 3 आ रहा था लेकिन 4 नहीं आ रहा था,
तो ये आपका क्या है, फलन नहीं है। थर्ड के अंदर क्या है, थर्ड के अंदर मैंने वन की इमेज वन ए के साथ लिखी है, और वन की इमेज किसके साथ लिखी है, सी के साथ लिखी है, यानी इसके प्रतिबिंब जो बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, एक से ज्यादा बन रहे हैं, तो ये आपके फलन नहीं है। ये आपके फलन क्या है, ये आपके फलन नहीं है, ये यहाँ पे गलत हो गया, इसको आप लिखना है ये फलन नहीं है, क्योंकि वन की इमेज क्या है, वन की इमेज ए के साथ है, और वन की इमेज किसके साथ है, सी के साथ है। फोर्थ में क्या है, सभी एलिमेंट यूज लिए वन टू थ्री फोर, और इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, यानी वन का एलिमेंट कौन सा लिया, बी का एक सिंगल एलिमेंट लिया है, लेकिन है सभी के साथ, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा, किसके साथ, जैसे वन है, वन का रिपीट हो रहा है क्या, टू रिपीट नहीं हो रहा, थ्री नहीं हो रहा, फोर नहीं हो रहा, इसका एलिमेंट रिपीट हो सकता है लेकिन इसका नहीं होगा, इसकी सिर्फ एक ही इमेज बनेगी समुच्चय बी में, तो ये क्या है आपके पास एक फलन। फिर हमने फलन की परिभाषा देखी कि फलन होता क्या है, फलन वही है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध है, वो फलन कब कहलाएगा, जब समुच्चय ए का समुच्चय बी में क्या से होना चाहिए, केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, केवल और केवल एक प्रतिबिंब, यानी समुच्चय बी के जो एलिमेंट है वो समुच्चय ए के एलिमेंट में एक से ज्यादा अवयव के साथ उससे संबंधित नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, इसका प्रांत होता है, और जिस समुच्चय में परिभाषित होता है वो इसका क्या होता है, सहप्रांत होता है। परिसर क्या होता है, इस समुच्चय बी के वे कौन से अवयव है जो इससे कनेक्टेड है, वो इसके आपके पास क्या होंगे, वो परिसर होंगे। सब फलन के अंदर कैसे एलिमेंट होते हैं, ए बी, जिसके अंदर ए क्या है, बी क्या है, ए का प्रतिबिंब, और ए क्या है, बी का पूर्व प्रतिबिंब, इसको लिखते कैसे हैं, बी इक्वल्स टू एफ ए। और इसके बाद अपने फिर जो अपने कुछ फलन के प्रकार है वो देखें, तत्समक फलन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, यानी प्रांत की जो वैल्यू रखोगे परिसर में आपको वही वैल्यू प्राप्त होगी, यानी प्रांत आर रखोगे तो परिसर भी आर प्राप्त होगा। फिर आपके पास आता है अचर फलन, एफ एक्स इक्वल्स टू सी, यानी प्रांत की वैल्यू तो चेंज होती रहेगी लेकिन जो परिसर की वैल्यू है वो एक कॉन्स्टेंट फिक्स हो गया, यानी प्रांत आप बदलते रहोगे, प्रांत की वैल्यू तो हो जाएगी आर, और परिसर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, परिसर की वैल्यू आपके पास हो जाएगी सी। फिर आपने देखा मापांक फलन, मापांक फलन में धनात्मक वैल्यू रखोगे तो उसका आंसर कैसा आएगा, धनात्मक, जीरो पर कैसा आएगा, जीरो, लेकिन अगर कोई भी ऋणात्मक वैल्यू लोगे तो उस पर भी उसका मान कैसा आएगा, उस पर भी उसका मान पॉजिटिव आएगा, यानी प्रांत तो आप कुछ भी रख सकते हो आर, लेकिन परिसर कैसे आ जाएगा, परिसर जीरो से इन्फिनिटिव, क्यों, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी होगी जो जीरो से पहले वाली, वो भी इसके अंदर कैसे हो जाती है, पॉजिटिव, यानी जीरो से इन्फिनिटिव की तरफ बढ़ेगा ये इसका परिसर। इसके बाद जो अपना फंक्शन है वो है चिन्ह फलन, चिन्ह फलन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ मोड एक्स अपॉन एक्स, ऊपर वाला जो मोड एक्स है वो तो हमेशा धनात्मक रहेगा इसके अंदर, यानी इसके अंदर तो धनात्मक वैल्यू रखो चाहे ऋणात्मक रखो उसकी वैल्यू कैसी आएगी, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, लेकिन जो अपॉन में एक्स है वहां तो ऋणात्मक पर ऋणात्मक साइन बाहर आएगा, यानी जैसे माइनस का मोड तीन लिखा है तो मोड ऑफ माइनस तीन अपॉन कितना आ जाएगा, ये माइनस का तीन, थ्री से थ्री कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का वन, यानी संख्या है आप कुछ भी रखो इसके अंदर लेकिन जो आंसर है अपने वो इसके अंदर फिक्स हो जाएगा, वन जीरो और माइनस वन। एक्स की वैल्यू चेंज होगी तो एक्स की वैल्यू तो प्रांत क्या हो जाएगा इसका आर, और जो इसका परिसर है वो इसका क्या आ जाएगा, वन जीरो और माइनस वन, यानी संख्या चेंज होने पर भी जो इसके परिसर के मान है वो आपके फिक्स हो गए, वन जीरो और माइनस वन। उसके बाद फिर हमने कौन सा देखा, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक क्या होता है, यानी कोई भी आप पूर्णांक संख्या ले रहे हो, जैसे मैंने लिखा 2.35, तो इसका जो महत्तम पूर्णांक क्या होगा, इससे जस्ट छोटा पूर्णांक, तो 2.35 से जस्ट छोटा पूर्णांक कौन सा है आपके पास, 2.99 है, इससे जस्ट छोटा कौन सा होगा, इसका भी 2.31 है, तो इससे जस्ट छोटा क्या हो जाएगा, 3। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है कि कोई भी संख्या है उसको महत्तम पूर्णांक में कैसे लिखेंगे, एन लेस देन इक्वल एक्स, और ये फिर क्या हो जाएगा, लेस देन एन प्लस वन, जो पहला एन है उसके नीचे इक्वल है और सेकेंड वाला जो एन प्लस वन है वहां इक्वल नहीं है। तो यहां जैसे 2.35 है तो इससे जस्ट छोटा पूर्णांक आपके पास क्या आ जाएगा, 2। तो ये फलन आपके कौन सा था, ये था आपके पास महत्तम पूर्णांक फलन। फिर हमने देखा फलनों का बीजगणित, यानी फलनों का जोड़ कैसे करते हैं, फलनों का घटाव कैसे करते हैं, फलनों में किसी वास्तविक संख्या से गुणा कैसे करते हैं, नॉर्मल जैसे अपने करते हैं वैसे ही करना है इसमें भी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा जैसे एफ प्लस जी एक्स है, तो इसको अगर जोड़ करेंगे तो वैसे के वैसे दो फलन है आपको, एफ एक्स प्लस जी एक्स, जो व्यंजक जिस घात में है तो आपको उसी में जोड़ना है, अगर अचर वाली टर्म है तो अचर को अचर में जोड़ना है, दो घात वाली टर्म है तो दो वाली घात को दो वाली घात में जोड़ना है, सेम इसी तरह इसका घटाव होता है और इसी तरह किसी वास्तविक संख्या से इसकी गुणा, और दो फलनों का अगर गुणा करना है एफ जी एक्स तो गुणा आप जैसे नॉर्मली आप कोई भी बीजी व्यंजक की मल्टीप्लाई करते हो वैसी की वैसी मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है,
अगर दो फलनों का डिवाइड करना है तो दो फलनों का डिवाइड वैसे ही है जो प्रथम फलन है उसको आप रखोगे एफ एक्स ऊपर और जो सेकंड वाला फलन है जी एक्स उसको रखोगे नीचे। बस देखना ये है कि जी एक्स की जो वैल्यू वो क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी जो जी एक्स का मान है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये आपने देखा है आज की क्लास में फलनों का बेसिक। अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन करेंगे और इसी चैप्टर को अपने आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप इनको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए और तब तक के लिए धन्यवाद।